हर हर महादेव। आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे नवरात्र की दूसरे दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। एक उपाय बताने जा रही हूं जिससे नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर भगा सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि हैं, दशमहाविद्या के दिन हैं और इन्हें काफी पावरफुल माना जाता है। साधक इस समय में, तांत्रिक साधक जो होते हैं या घोर साधक जो होते हैं, इस समय में सिद्धियां प्राप्त करते हैं माता को प्रसन्न करके। तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूं, ये आज आप कर सकते हैं, ये नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आपको लेना है जायफल, एक लेना है नींबू जिसे आपको इस तरह से काट लेना है, और उसके बाद में जायफल को रब करते हुए, इसके ऊपर आप घी लगा लें थोड़ा सा और इसको रब करते हुए पूरे घर में घुमा दें, अपने ऊपर से एक बार उतार लें। और ये प्रार्थना करनी है आपको कि आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जाए और आपके यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। उसके बाद में आपको इसे नींबू के ऊपर इस तरह से रखना है, साथ में आपको भीमसेनी कपूर रखना है और इसे जला देना है। मैंने अभी इस पर घी नहीं लगाया, सिर्फ डेमो के पर्पज से मैं आपको दिखा रही हूं। इस तरह से आप रख के इसको जला दें। उसके बाद इसे आप अपने घर में देवी के सामने, जहां आपने स्थापित किया है, जो आपका मंदिर है, उसमें इसे 7 बार घुमा करके, इसे फिर से पूरे घर में घुमा करके बाहर ले जा करके, अपना मेन, आपका जो प्रीमाइसिस का मेन डोर है यानी कि मेन गेट है, उसे बाहर ले जा करके उल्टा करके इसे वहीं छोड़ दें। और उसके बाद आप आ जाएं, हाथ मुंह धोएं, भगवान के फिर से दर्शन करें। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।